अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम डेली वोकैबुलरी वर्ड इज सैचुरेशन। इट वाज अ रिक्वेस्ट बाय रुद्रक्षा एंड रुद्रक्षा हियर इज योर लेसन। सैचुरेशन इज अ नाउन एंड इट हैज टू मीनिंग्स। वन इज एक्ट ऑफ फिलिंग समथिंग कम्प्लीटली, सेकेंड इज एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम्प्लीटली वेट। देखिए, समझ लें इसको। किसी भी चीज को या किसी जगह को या किसी भी चीज को कम्प्लीटली चीजों से भर देना, इतना भर देना कि उसमें मजीद किसी दूसरी चीज के एंटर होने की जगह ना बचे, तो इस प्रोसेस को हम सैचुरेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई कमरा है, उस कमरे में 20 लोगों के खड़े होने की जगह है, ठीक है, और 20 के 20 लोग अगर उस कमरे के अंदर एंटर हो जाते हैं कि अब किसी 21वें आदमी के उस कमरे में एंटर होने की अब जगह नहीं बची, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये सैचुरेशन का हुआ है। देखिए, सैचुरेशन जो है ना, ये नाउन है, इसका वर्ब होगा सैचुरेट। आप अगर उसमें 20 लोगों को एंटर कर देते तो इसका मतलब अपने रूम को सैचुरेट कर दिया है, और इसका ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो एक्ट हुआ है, इस एक्ट को आप सैचुरेशन कहेंगे कि जो ये रूम है ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसी तरह से जैसे किसी पार्क के अंदर जो है वो 100 लोगों के मतलब एंटर होने की जगह है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर 100 के 100 लोग ही एंटर हो जाते हैं, अब उसमें 101वां जो इंसान है वो एंटर नहीं हो सकता, तो पार्क भी जो है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। इसी तरह जैसे रोड के ऊपर एक लिमिट होती है ट्रैफिक की, ठीक है, अगर ट्रैफिक वहां पर बहुत ज्यादा हो जाए कि मजीद अब उसके ऊपर कोई जगह नहीं बची है, ट्रैफिक बिल्कुल स्टक हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो रोड है उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो किसी भी जगह को अगर कम्प्लीटली चीजों के साथ या किसी चीज को कम्प्लीटली चीजों के साथ फिल कर दिया जाए कि अब उसमें मजीद कुछ एंटर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। इसमें आपने एक सुना होगा मार्केट सैचुरेशन, ये बहुत ज्यादा टर्म जो है ना वो बोली जाती है, ठीक है। मार्केट सैचुरेशन का भी यही मतलब होता है कि जब मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाए कि उसकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाए, मतलब जितनी उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड है उससे बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट बनाने वाले, सर्विस देने वाले, बेचने वाले ज्यादा हो जाए और खरीदने वाले कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक निश के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई है, ठीक है। ये मार्केट सैचुरेशन कहलाती है। क्या मजीद उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चर कोई और मजीद आ जाए उस प्रोडक्ट को बनाने वाला या सर्विस को बेचने वाला, तो उसको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अब उसमें खरीदने वाले कम हो गए हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाले ज्यादा हो गया, ठीक है। ये इसका पहला मीनिंग है। जो इसका सेकेंड मीनिंग है, एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम्प्लीटली वेट, किसी चीज को कम्प्लीटली गीला कर देना, जो वेट कर देना होता है, उसका भी जो प्रोसेस होता है उसको भी हम सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सैचुरेशन का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज थिएटर हैज रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट, कि जो थिएटर है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब कि थिएटर के अंदर जितने भी लोगों के बैठने की जगह थी वो तमाम सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हुई है, अब एक्स्ट्रा लोग जो है ना उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है, तो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अब मजीद उसमें कुछ एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अ सेकंड एग्जांपल इज दिस ग्रास सैचुरेशन इज ड्यू टू रेन, कि ये जो घास है इसकी जो सैचुरेशन हुई है, मतलब कि ये जो घास कम्प्लीटली गीला है इस वक्त, ये गीला हुआ है अब रेन की वजह से, बारिश की वजह से, जो हमने सेकंड मीनिंग पढ़ा था, किसी भी चीज को कम्प्लीटली वेट कर देना, गीला कर देना, ठीक है। तो वो जो घास सैचुरेशन हुई है, ग्रास सैचुरेशन हुई है, जो घास कम्प्लीटली वेट हुआ है, गीला हुआ है, वो रेन की वजह से हुआ है। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल इज ड्यू टू मार्केट सैचुरेशन इट्स हार्ड टू गेट मोर क्लाइंट्स, कि वो जिस भी निश पे काम करते हैं वो यही कह रहे हैं कि मार्केट चूंकि हमारी निश में जो है वो इतनी सैचुरेट हो चुकी हुई है, तो मार्केट सैचुरेशन की वजह से अब मजीद हमें क्लाइंट्स मिलना जो है ना अपनी सर्विस के लिए वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।